तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के केशलूर वेयर हाउस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस वेयर हाउस में हजारों टन अनाज रखा गया लेकिन देखरेख नहीं की गई, लिहाजा वेयर हाउस में कीड़ों का घर बन गया। आलम यह है कि इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि ये आसपास के लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, कभी किसी के खाने में गिर रहे हैं, किसी के कानों में घुस रहे हैं। वेयर हाउस के आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। वेयर हाउस प्रबंधक से शिकायत भी की गई लेकिन समाधान अब तक निकला नहीं। यहाँ 3 ब्लॉक का चावल बोरा रखा जाता है और उन बोरों से उत्पन्न होने वाले कीड़े पूरे गांव में फैल चुके हैं और इन कीड़ों की वजह से हम सब परेशान हैं। खाना खाते टाइम ना खाने में कीड़े नजर आते हैं और सोते टाइम नाक कान में कीड़े घुस जाते हैं। हाँ, मैं रियल में क्या है, अभी मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं था। कल ले देकर मैं कवर मंगवा रहा हूँ ढकने के लिए। नहीं दे रहे थे क्या? मिले ही नहीं पा रहे थे, अपन को लेट मिले हैं। मानसून में जहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में सांप और बिच्छू का डर बना रहता है तो वहीं मौसमी बीमारी का भी प्रकोप जारी है। मलेरिया और डेंगू जैसी घातक बीमारी जो खतरा है वो अभी टला नहीं है लेकिन ग्रामीण अंचल में एक नया खतरा पैदा हो गया। ये वेयर हाउस है और यहाँ पर हजारों टन चावल रखा हुआ है। इस हजारों टन चावल को रखने के लिए जो उचित देखभाल होना है वो नहीं किया गया, इससे चावल के अंदर से जो कीड़ा निकल रहा है वो सीधा ग्रामीणों के घर तक पहुंच रहा है और ग्रामीण को लोगों को सोने और खाने में काफ़ी दिक्कत पैदा हो रही है। इस वेयर हाउस से जो हजारों टन चावल है यहाँ से दरभा, बास्तानार और तोकापार ब्लॉक के जो उचित मूल्य दुकानों में ये राशन भेजा जाता है लेकिन उचित देखभाल की नहीं होने की वजह से, प्रबंधन की लापरवाही की वजह से जो कीड़ा निकल रहा है वो ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा परेशान किया जा रहा है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर ग्रामीण द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी प्रबंधन क्या जो कीड़ा निकल रहा है इस पर कोई उचित कार्रवाई करता है या फिर जो समस्या है जस की तस बनी रहेगी। और इस वक्त सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ वो हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास के पास आपको लिए चलते हैं। श्रीनिवास, कीड़ों का कहर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये वेयर हाउस तोकापार ब्लॉक के केशलूर पंचायत का है। यहाँ पर जो वेयर हाउस है यहाँ का जो रखा हुआ जो हजारों टन चावल है ये 3 ब्लॉकों में जाता है लेकिन जो चावल जो को ढकना चाहिए वो ढका नहीं गया, जिसके चलते जो 2 महीना जून और जुलाई महीने में जो समय रहता है उसमें कीड़े निकलते हैं और ये कीड़े का खतरा वेयर हाउस के चावल के तक ही नहीं गाँव आसपास के गाँव के ग्रामीणों के घरों तक पहुँच रहा है। इन कीड़ों से उनके खाने में या सोने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद थे, इनसे बात करते दादा क्या परेशानी होती कीड़े से? परेशानी बहुत कीड़ा है जी, सोने नहीं दे रहा, सोने में नहीं दे रहा, खाना में आ रहा, दुनिया भर का मच्छरदानी भी लेते हैं, मच्छरदानी में घुस जाता है, बहुत परेशान है। और साहब लोग दवाई बूटी छिड़क दे तब भी कीड़ा खत्म नहीं हो रहा। हाँ जी, कितना कीड़ा है यहाँ पर? कैसे बहुत कीड़ा है, कैसे करते गाँव में? घर तक जा रहा है, घर तक जा रहे ना, उड़ते उड़ते बहुत परेशान हो रहा है, खाना उना में जा रहा है, सोने में दिक्कत हो रहा है। शिकायत किए थे? नहीं किए थे। क्या दिक्कत होता है? सोने में दिक्कत हो जाता है। हाँ। आप लोग यही काम करते हो तो शिकायत किए थे? शिकायत तो नहीं किए थे। हाँ। और क्या क्या समस्या होता है, कीड़े से क्या क्या दिक्कत होता है? आप क्या दिक्कत होता है? सोते समय शरीर में पूरा रेंगते रहते हैं, सोने नहीं होता है, पानी में भी भर रहते हैं, वहाँ घुस जाते हैं, दिक्कत होता है। इसलिए कीड़े कितने बड़े बड़े होते हैं? उड़ के आते हैं? हाँ, उड़ के आते हैं। हाँ, साहब लोग को बताए कि नहीं? साहब लोग को हम लोग नहीं बताए। हाँ। तो अभी छिड़का उड़का हुआ है? अभी छिड़का उड़का नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो दिक्कत काफी हो रहा है आप लोग को? हाँ, बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। खाने में भी आ जाते हैं, उड़ के आ जाते हैं, फिर उसको नहीं खाते। और क्या क्या समस्या होता है? क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत वही खाना में जाते हैं, वही खुजली भी होता है इस कारण। अच्छा। हाँ। साहब लोग को बताए? नहीं बताए। हाँ। परेशानी खूब होता है? परेशानी तो खूब होता है सर। तो देख सकते हैं यहाँ के जो ग्रामीण है ये ज्यादा कुछ नहीं करते कि हाँ ये है कि अपनी समस्या जरूर बता रहे हैं। ये जो उड़ के जा रहे कीड़े सीधे इनके खानों में जा रहा है, सोते हैं तो उनके कानों तक पहुँच रहा है और इनको दिक्कतें
जीरो में मैं पहुंचा हूं न्यूज 18 के माध्यम से। यहां के जो प्रबंधक से हमारी चर्चा हुई उनका कहना है कि ये दो महीने के समय ये प्रकोप रहता है जून जुलाई के बाद, और ये कीड़े काफी उड़ते हैं और उड़ने के बाद सीधे आसपास के पंचायत गांव में पहुंच जाते हैं। हालांकि श्रीनिवास प्रबंधन द्वारा फिलहाल श्रीनिवास सिर्फ ये कहकर कि हाँ इस तरह का प्रकोप रहता है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता, क्योंकि जहां भी वेयर हाउस रहता है उसकी एक स्टैंडर्ड एसओपी होती है, उसके तहत काम करना होता है। तो ये कहकर के हाँ कीड़ों का प्रकोप है इतना कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। जी बिल्कुल, अभी जो प्रबंधन है यहाँ से हमारी बात हुई है वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो उच्च अधिकारी है उनसे आप चर्चा कीजिए, लेकिन कीड़ों के संबंध में ये कह रहे हैं कि हमने जो चावल रखे हैं, जो हजारों टन चावल रखा हुआ है उस पर पूरे तालपत्री से ढाक दिया गया है, जो कीड़े हैं उसके लिए दवाई का छिड़काव भी किया गया, लेकिन कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि जो कीड़ा निकल रहा है इससे आस पड़ोस के जो गाँव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मानसून का समय है, बारिश भी हो, डेंगू मलेरिया और सांप बिच्छू का प्रकोप ग्रामीण इलाकों में काफी देखने मिलता है, और इससे बड़ा सबसे खतरा अब कीड़ों का हो गया। अब देखना होगा कि जो समस्या जो उत्पन्न हुई है इस समस्या को लेकर प्रबंधन कितना गौर करता है और इस समस्या को कब तक निदान करता है, लेकिन यह है कि ग्रामीणों की समस्या फिलहाल अभी बनी हुई है, ग्रामीण को सुन लेने कोई जनप्रतिनिधि हो या भी कोई अधिकारी है नहीं पहुंचा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर है अनूपपुर के सालार गोंडी गांव से। डायरिया के चलते एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई, परिवार के दूसरे चार लोग वो अपना इलाज करवा रहे हैं। दो दिन के अंदर ही मां बेटा बहू और 8 महीने के एक गर्भस्थ शिशु बच्चे की मौत हो गई है। गांव में बैगा जनजाति के लोग हैं, गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, गड्ढे में भरे पानी को भरकर ये ले आते हैं उसे ही पीते हैं। बारिश के दिनों में गांव में उल्टी और दस्त से लोगों का पीड़ित होना यहां मानो आम बात है, लेकिन अब तक गांव में पीने के पानी की, साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? माने रात में खत्म हुआ, वो शाम के खत्म हुआ है, वो करीब 9 बजे करीब। इसके बाद और कौन खत्म हुआ? उसके बहू रहा वो भी खत्म हो गया। दिन बाद खत्म हुई? वो मान ले कि एक दिन बाद वो भी मान ले कि दूसरा तीसरा दिन। ये जो चारों हाँ, तीसरा दिन खत्म हुए हैं ये सभी उल्टी दस्त से खत्म? उल्टी दस्त से जो है जो माखन है उसको बता रहे हैं कि उसको बीमार था, इसके बाद उसकी मौत हुई। इसके बाद उसकी मदर को भी कुछ समस्या था, पेट में दर्द की शिकायत या उल्टी थी, लेकिन क्लियर कट उल्टी दस्त का उसके परिजन नहीं बता रहे हैं। सालर गोंदी गांव का डायरिया के चलते एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई और चार का उपचार जारी है। गड्ढों में भरा पानी पीने की यह मजबूरी है, अदद पानी का सोर्स इनके पास तक नहीं पहुंचा है। सालर गोंदी गांव में बैगा जनजाति के ज्यादातर लोग रहने वाले। इसी तरह गड्ढों में जो पानी भरा रहता है उससे ये अपना जीवन चलाते हैं।